भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। जी हाँ, आजकल खेसारी लाल यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी हाल ही में उन पर जानलेवा हमला हुआ। अब खेसारी लाल यादव के लिए दो बड़ी और बहुत ही बुरी खबर आ रही। बुरी खबर ये कि भाई उनका एक सॉन्ग है सुबीर शर्मा के साथ जो कल ही रिलीज़ हुआ, और कल ही खेसारी लाल यादव की फिल्म जाल का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जाल को इतना गंदा रिस्पॉन्स मिला है, 1.3 मिलियन व्यू सिर्फ एक दिन में। आपको यकीन नहीं होगा, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जिनके सिर्फ एल्बम के गानों को 5-5 लाख व्यूज़ एक दिन में मिलते हैं। अब भाई खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? लोग कहेंगे अरे भाई जाल हो सकता है कि किसी ऐरे गहरे यूट्यूब चैनल ने रिलीज़ कर दिया हो, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं रिलीज़ किया हो। तो भाई आप जिस यूट्यूब चैनल के तहत जाल का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसके सब्सक्राइबर देख लीजिए, सब्सक्राइबर तो कम नहीं है। हाँ, अब रही हम बात करेंगे एल्बम की कि भतार ने होली में धोखा दिया, जो भी है इस एल्बम का नाम। भाई एल्बम की पिक्चराइजेशन इतनी घटिया है कि उसे देखने के बाद लगता ही है कि एल्बम फ्लॉप ही होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने किया क्या है? सिर्फ खेसारी लाल यादव का चेहरा और गाने के बोल से आप एल्बम को हिट नहीं करा सकते। भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें जो खेसारी लाल यादव के फैंस हमेशा पवन सिंह पे तोहमत लगा रहे हैं कि भाई पवन सिंह के गाने आजकल ट्रेंड नहीं कर रहे, ट्रेलर ट्रेंड नहीं कर रहा है। भाई खेसारी के लिए ये ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि ये दोनों, जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और जो ये गाना एल्बम का है, इन दोनों ने ना ट्रेंड किया ना लोगों में बज़ क्रिएट किया। यहाँ तक कि ट्रेलर यानी जाल जो फिल्म 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है महाशिवरात्रि के अवसर पर, आपको बता दें इसका ट्रेलर देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि खेसारी की 4-5 मूवी की क्लिपिंग लेकर बस क्लिपिंग चला दी गई है। अब ट्रेलर देखने के बाद आपको ये लगेगा कि खेसारी के साथ वही घिसी पिटी स्टोरी, दो हीरोइन एक हीरो, हीरो हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है, हीरोइन किसी और से प्यार करती है, फिर उस हीरोइन को उस दूसरे हीरो से धोखा मिलता है, फिर हीरोइन आत्महत्या करने जाती है, वहाँ से उसे हीरो यानी कि खेसारी लाल यादव बचाता है, और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है, और इन दोनों की प्यार के नैया में छेद हो जाता है, पानी भर जाता है यानी कि विलन आ जाता है। और अब भाई इन दोनों के प्यार में विलन आ जाता है और इनके रोमांस में कांटा बनने लगता है। जैसे ये कांटा ज़्यादा चुभने लगता है, खेसारी लाल यादव भाई आप जानते हैं क्या करेंगे, गुस्से में आकर विलन की हत्या करते हैं और पिक्चर को द एंड करते हैं। इस घिसी पिटी स्टोरी यानी बाबा आदम की स्टोरी द्वारा अगर आप चाहेंगे कि भोजपुरिया दर्शकों को हम खींचें, तो भाई अब भोजपुरिया दर्शक कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं। अब चलिए आगे बताते हैं। अगर खेसारी ने संघर्ष की, कूली नंबर वन की, तो इन दोनों फिल्मों को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। इन भाई खेसारी लाल यादव से हम यही कहेंगे, अब थोड़ा भोजपुरी में कुछ नयापन लाइए और ये दो हीरो हीरोइन वाले के चक्कर को छोड़ कुछ सेंसिबल मूवी कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं एल्बम की। भाई एल्बम में शुभी शर्मा और खेसारी की जोड़ी कुछ खास नहीं है, फिल्म में भी कुछ खास नहीं दिख रही है। तो भाई पहली माइनस पॉइंट यही है। तो दूसरा माइनस पॉइंट ये बता दें कि खेसारी लाल यादव के होली के एल्बमों में जो आदमियों को, औरतों का गेटअप दिया जा रहा है, भाई कम से कम मेकअप तो सही कीजिए। मेकअप तो बिल्कुल सही नहीं है, वो कुछ अजीब ही लग रहे हैं। भाई कुछ तो सही कीजिए। अगर आप सिर्फ खेसारी के नाम पर और खेसारी के गानों पर कुछ एल्बम बेचना चाहते हैं तो अब हो सकता है इम्पॉसिबल हो। अब ऐसे ही चीज़ें होती रही तो करियर के इस मुकाम पे आकर खेसारी का डाउनफॉल हो